डियर स्टूडेंट्स, 140 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर बोलने जा रहा हूं। मैटर स्टार्ट होगा आपसे 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, स्वास्थ्य मनुष्य की प्रबल संपदा है। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहना चाहिए कि गांवों में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वहां स्वस्थ जीवन जीने की सतर्कता का पालन करने की कला सिखाई जानी चाहिए, जिसमें बीमारी के पनपने व अकाल मृत्यु की संभावना से बचा जा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु व्यायाम, खेलकूद व मनोरंजन की जानकारी देना अनिवार्य है। आधुनिक समय में प्रदूषण, नशेबाजी, व्यभिचार आदि की समस्याएं विभिन्न बीमारियों को जन्म दे रही हैं। बाल विवाह व बहु प्रजनन नारियों के लिए प्राण घातक हो रहा है। स्वास्थ्य रक्षक प्रवृत्तियों के संवर्धन व उन्नत प्रौद्योगिकी के समावेश से बीमारियों से आत्मरक्षा भी संभव है। ग्रामों में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घरों में प्रायः शौचालय न होने के कारण गंदगी से भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्नत प्रौद्योगिकी से सुलभ शौचालय का प्रयोग कर स्वच्छता प्रदान कराई जा सकती है और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। पशुपालन के लिए चारागाह लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। सूखा चारा पशुओं की क्षमता को घटाता है। पशुओं को उचित आहार, उनको होने वाली बीमारियों एवं उनके उपचारों की जानकारी देना अत्यावश्यक है। पशुओं से श्रम, दूध इत्यादि उपलब्ध होने से व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। यह उत्पादन से किसी प्रकार कम मूल्यवान नहीं है। इसी प्रकार मुर्गी पालन व मछली पालन की उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग भी भरपूर किया जा सकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का ज्ञान, उचित फसल का चयन, उचित किस्म के बीज की उपलब्धि, पौधों में लगने वाली बीमारियों से बचाव कर उन्नत फसल और उचित मूल्य उपलब्ध होते हैं। ईंधन की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत शीघ्रता से क्षय होते जा रहे हैं और पर्यावरण की जटिल समस्या बढ़ती जा रही है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, खाना पकाने, रोशनी करने, सिंचाई, खेतीबाड़ी, यातायात व लघु उद्योगों के लिए प्रयुक्त होती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज एवं उसके अनुरूप उद्योगों का विकास आधुनिक समय की मांग है। गांवों के लिए गोबर गैस प्लांट संयंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी की देन है। जापान में मनुष्य के मल को सड़ाकर खेती में खाद की तरह प्रयोग में लाया जाता है। उसे सोना खाद कहते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो पशुओं के गोबर की कमी पूरी हो जाती है और दूसरे पैदावार भी अधिक मिलती है। पैरा चेंज। महोदय, हर युग का एक मुख्य स्वर होता है। आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वर सबसे मुखर है। आज जिस वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं, 17वीं शताब्दी के बाद उसके निर्माण में सबसे अधिक योगदान यूरोपीय देशों का है। यह बात अलग है कि इससे पहले भारत, चीन और अरब आदि एशियाई देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थी और यूरोप के देश इन उपलब्धियों से लगातार लाभ उठाते रहे। उल्लेखनीय है कि जब एशियाई देशों ने वैज्ञानिक प्रगति की थी तो विज्ञान व्यवसाय नहीं था, वरन उसे ज्ञान की ही एक धारा माना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग। कोई भी देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी न केवल शासन की भाषा थी, बल्कि ज्ञान विज्ञान की व शिक्षित व संपन्न समाज की भी भाषा थी। लेकिन यही वह समय था जब अनेक संतों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी भाषा को अपनी भाव धारा के प्रचार का साधन बनाया जो सारे देश में बोली और समझी जाती थी। उल्लेखनीय है कि हिंदी को देश की संपर्क भाषा और ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में अपनाने का समर्थन करने वालों में अधिकांश अहिंदी भाषी थे। स्वतंत्रता संग्राम की इसी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्र होते ही भाषा के प्रश्न पर नए सिरे से विचार हुआ और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ
संविधान में देश की 15 भाषाओं को शामिल किया और हिंदी को केंद्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि देश का शासन देश की भाषाओं में ही चलाए जाने के संबंध में नीति निर्धारित कर दी गई। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों के लोग यहां सदा से मिलजुल कर रहते आए हैं और सदियों से हमारी यह मिली जुली संस्कृति इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। इसी एकता को मजबूत करने के लिए और इस महान संस्कृति की विरासत को बनाए रखने के लिए ही संविधान में सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर दिया गया है। स्टॉप। दोस्तों, 140 शब्द प्रति मिनट की गति से जो मैटर आपने लिखा है उससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन में बताने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिए। स्टार्ट करें। दुर्भाग्यपूर्ण, दैर है, भय और पैन है दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है। सतर्कता, सेट उत्तर करेंगे क्या होता। संभावना, देखिए ये भी संभावना है, और सह और भय और वैन है ये भी संभावना है। व्यायाम क्या कर सकते हैं, ये हमारा आम है, ये याम है, और वह का आंकड़ा लगा दो तो व्यायाम है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, खेल कूद, खेल में कै लगा देंगे और कूद हो जाएगा खेल कूद। मनोरंजन, मैन है और जन, मंजन कुछ नहीं होगा मनोरंजन। प्रदूषण, प्र और दय और शब्द ऊ की मात्रा। नशेबाजी, देखिए हमारा नशे बाजी। ठीक है। व्यभिचार, देखिए वह भी का शब्द चिन्ह है और चार लगाइए गणित का, व्यभिचार। बाल विवाह, बाल विवाह। घातक, घ और तय और कह घातक हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारी प्रवृत्ति, प्र वीर तय और यू। संवर्धन, संवर्धन। ठीक है। आत्मरक्षा, दोस्तों आत्मरक्षा। अब ये आत्म कहा गया, ये चलता है इस तरह से आत्मसम्मान, आत्महत्या। ठीक है। तो ऐसी आत्मरक्षा, देखिए ये तो है गंदी और डबल क्या है तो गंदगी। ठीक है। भैर भर, अंक की बिंदी भयंकर। शौचालय, शैचालय। गंदगी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों हमारी क्या, भयंकर। तो ये हमारा भैर भर, अंक की बिंदी भयंकर। पशुपालन, दोस्तों आपने पशु का शब्द चिन्ह याद किया होगा, कुछ इसी तरह से था ना, और ये इस तरह से ई की मात्रा लगे तो पशु पक्षी और आ का डंडा लगे तो पशुपालन। अत्यावश्यक, देखिए दोस्तों ये तो है हमारा अत्यावश्यक, और ये अंक की बिंदी लगे तो अत्यावश्यक, अत्यंत आवश्यक। अब चूंकि इसमें यह आ गया तो इसकी आउटलाइन बनेगी अत्यावश्यक। ठीक है। प्रौद्योगिकी, प्र और क वर्णमाला वाला और एक ही मात्रा। उपजाऊ, दोस्तों उपजाओ का फॉर्मूला, उपजाऊ आप क्या कर सके, उपजा और ऊ वर्णमाला वाला हिंदी का, और एक काम ये करेंगे उपजाऊ, तो ये सारे आउटलाइन समेट कर हमने यहां रख दिया है उपजाऊ। ओके। उपलब्धि, प ल बड़ा एक ही मात्रा लगा देंगे उपलब्धि। दोस्तों इसके बाद है हमारी आउटलाइन यातायात, यह और यह यातायात। ठीक है। वैकल्पिक, देखिए ई की मात्रा पर विकल्प, वैकापड़ा है ना, और डबल किक है तो ए की मात्रा पर वैकल्पिक। ऊर्जा हम अलग से लिख लेंगे। ठीक है। गोबर गैस, हम क्या करेंगे गोबर और गैस। ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे गोबर गैस। प्लांट क्या करेंगे, ये हो गया प्लांट, आप चाहो तो यहां भी हो जाएगा प्लांट, टै लग जाएगा इसमें। आधुनिक और युग के लिए हम यहां गए, द्वारा लिख लेंगे इसको आधुनिक युग। शताब्दी, ये तो हमारा सदी है, वह कापड़ा लगेगा तो शताब्दी। व्यवसाय, देखिए वह है और सा है, यही खत्म हो जाएगी आउटलाइन। दोस्तों इसके बाद हमारी आउटलाइन अभिन्न, एन है अभिन्न। ब्रिटिश, बैट है और शय। मनीषियों, मैन है, शय यह बहुवचन। दूरदर्शिता, दोस्तों दूर का शब्द चिन्ह तो ये है ही, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे यहां से जो घुंडी है, और इसको दर कर लेंगे, और शिता ये हो जाएगा दूरदर्शिता, और इसी से बनेगा दूरदर्शिता पूर्ण। ठीक है। पृष्ठभूमि क्या करेंगे, पैर ऐसे पृष्ठ और मी क्या हो जाएगा,
पृष्ठभूमि या फिर पैराइस का मी क्या हो जाएगा पृष्ठभूमि, राष्ट्र निर्माता बहुवचन हो जाएगा निर्माता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी आई सोज बूझ, तो ये हमारा सोज बूझ हो जाएगा। अगर मैं रख गया दोस्तों तो इसमें हो जाएगा समझ बूझ। संविधान, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा संविधान, और अगर बिंदी खुल गई धोखे से तो संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान संविधान संशोधन। निर्धारण और तय लगे तो निर्धारित, संस्कृतियों से और कैप बड़ा करेंगे तय और यो, विश्वासो वह और स्वयं का बड़ा से बहुचन लगे तो विश्वासो, मिली जुली, ये हमारा मिली और ये हमारा जुली। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमने आपको 140 शब्द प्रति मिनट का मैटर जो था उससे संबंधित आउटलाइन थी दोस्तों। इसको बार बार बनाइए, आउटलाइन को नकल कीजिए और फिर दो से तीन बार मैटर लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।